देखिए इश्क की दास्तां नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। जी बाबूजी। देखो शंकर, बात यह है कि मोहिनी जी को तुम्हारी बहुत फिक्र है, तो ये चाहती हैं कि वो लड़की, आपका मतलब मेरी पत्नी, तुम्हारे लिए वो लड़की तुम्हारी पत्नी होगी, लेकिन हमारे लिए वो हमारी बहू नहीं है। हम उसे अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। मैं भी इन्हें अपनी माँ नहीं मानता बाबूजी, लेकिन इज्जत देता हूँ। शंकर खामोखां बात। अरे भाई शांत हो जाओ, ये कोई बखत है का लड़ने का? हाँ? अरे दीदी हम लड़ नहीं रहे हैं, बेटा है हमारा, समझा रहे हैं इसे, समझ नहीं रहा है ये। अरे मोहिनी जी सोच रही है कि तुम, आप रहने दीजिए, मैं बात करूंगी। ठीक है, आप ही बात कीजिए, समझाइए इसे। पारू की भक्ति की बहुत इज्जत करती हूँ मैं, बहुत अच्छी लड़की है, पर अगर वो ऐसे भूखी रहेगी तो वो बीमार पड़ सकती है। इस घर का कैसे ख्याल रखेगी अगर उसे कुछ हो गया तो? ये सोचा है कभी? जानती हूँ तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझती, लेकिन अपनेपन से कह रही हूँ, उसे कुछ खिला दो। ओम नमः शिवाय। लल्ला, अब ये खुद इसका व्रत तुड़वाएगा। आपको ऐसा लगता है? यकीन है। ओम नमः शिवाय। पारो क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मानो मेरी बात। चलो थोड़ा खा लो प्लीज। पारो इस सबसे कुछ नहीं होने वाला, प्लीज खा लो, चलो खा लो। आज आपने दिखा दिया भोलेनाथ कि आपसे बड़ी कोई ताकत नहीं होती। ये चमत्कार कैसे?
आशीर्वाद दीजिए। भोलेनाथ, इन दोनों की जोड़ी सदैव बनाए रखना। ये भोलेनाथ, ये सब कैसे हो सकते? देखा आपने शंकर, भोलेनाथ ने हमारा व्रत पूरा करवा दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अपने सबसे बड़े भक्त की ना सुने। ये सब यही तो प्रभु की माया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और पारो, जिसका इतना विश्वास है भोलेनाथ पे, तो भोलेनाथ भला इसके लिए कुछ क्यों ना करे? बिल्कुल दादी अम्मा, इसीलिए तो हम किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि हम जानते कि भोलेनाथ का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। क्या हुआ शंकर, बहुत चक्के रह गए ना आप? ऐसे ही है भोलेनाथ, भोलेनाथ की कृपा देखकर तो हर कोई बहुत चक्कर रह जाता है, तो आप ही रह गए।